प्रदेश में बीते दिनों से लगातार घट रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के बीच प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन की तैयारियों में तेजी लाने का फैसला किया है। आगामी 1 जून से प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर चलाए जाने वाले तीसरे चरण के महाअभियान के तहत यूपी सरकार ने प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गुरुवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक के दौरान आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जून माह में वैक्सीनेशन को लेकर चलाए जाने वाले महाअभियान के तहत यूपी के सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन जिलों में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों, न्यायिक सेवा, शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों, बैंक कर्मियों, मीडिया प्रतिनिधियों के लिए विशेष बूथ बनाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जून माह में शुरू होने वाले महाअभियान के तहत प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन भी मौजूद है। टीम 9 के साथ हुई बैठक के दौरान सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के चलते अभी तक यूपी के 1,73,00,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इन आंकड़ों में से 1,39,00,000 लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज प्राप्त कर लिया है, वहीं 35,00,000 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में वैक्सीन का लाभ लेने वाले लोगों में 18 से 44 वर्ष के 16,69,000 लोगों को टीका कवर प्राप्त हो चुका है।